हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एआई टूल्स के बारे में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप अनलिमिटेड फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, यू कैन जनरेट अनलिमिटेड फ़ोटोज विद एआई। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारी इमेजेस, ये सारे फुटेज मैंने उसी एआई टूल्स के मदद से जनरेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, कितने कितने अच्छी क्वालिटी के इमेज जनरेट किए हैं। सी, ये सारी इमेजेस मैंने उसी एआई टूल से जनरेट किए हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप इस एआई टूल से 16:9, 9:16, 16:9, 9:16 किसी भी रेशियो का इमेज जनरेट कर सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी में। और इमेज जनरेट करने के बाद में आप इसको वीडियोस भी बना सकते हैं। सी फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो, एक इंस्टाग्राम रील क्रिएट किया है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी फ्रेंड्स, जिसपे मुझे अच्छा खासा लाइक और व्यूज मिले हैं, ऐसे ही आप भी अच्छे अच्छे इमेजेस क्रिएट करके इसकी वीडियो बना सकते हो। तो ऐसे ही आप भी इमेज जनरेट करके और वीडियोस बना सकते हो अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम उस एआई टूल्स का नाम टाइप करेंगे, पिकलुमेन एआई। उस एआई टूल्स का नाम है पिकलुमेन एआई। इस पे हम क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन आएगा पिकलुमेन फ्री एआई इमेज जनरेटर फॉर एआई आर्ट क्रिएशन। इस पे क्लिक करेंगे। अब इसका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, जनरेट फॉर फ्री। ये सब देखिए, ऐसे कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखाई देगा। जनरेट फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हमारा ये कि ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी जनरेट करोगे वो सब ऑलरेडी यहाँ पे सेव रहता है। ये सारे इमेजेस देखिए फ्रेंड्स, मैंने जनरेट किए हैं। ये मैंने एक हिंदी स्टोरी बनाई है, उसके इमेजेस जनरेट किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू कचालू का एक मैंने किड्स स्टोरी बनाया है, उसका इमेजेस जनरेट किया है। और ये हमारा नूडल्स, नूडल्स के कुछ इमेजेस, डांसिंग नूडल्स। तो ऐसे आप भी कोई भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं अच्छे अच्छे और उसकी स्टोरी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, सारे इमेजेस मेरे यहाँ पे हैं, सेव हो रखे हैं, जो मैंने इसके थ्रू क्रिएट किए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आप किस रेशियो का इमेज जनरेट करना चाहते हैं वो रेशियो चूज करें। जैसे मुझे 9:16 का क्रिएट करना है फर्स्ट। अब 9:16 का क्रिएट करना है। अब जैसे हमारा सेकंड ऑप्शन है मॉडल सेलेक्ट, किस टाइप का मॉडल चाहिए आपको, रियलिस्टिक चाहिए या पिकलुमेन एनिमेशन में चाहिए, कार्टून में चाहिए, लाइन आर्ट में चाहिए, मिस वेक्टर आर्ट के इमेजेस चाहिए, पोंडी डिफ्यूजन या इस टाइप के इमेजेस चाहिए, या फ्लश डॉट वन 3D इमेजेस चाहिए। तो मुझे 3D चाहिए, तो मैं फ्लक्स डॉट वन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको किस टाइप का इमेज चाहिए, किस टाइप का फोटो चाहिए, वो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ फिल करना है। तो चलिए प्रॉम्प्ट दिखाते हैं। कुछ प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ChatGPT से ले रखे हैं, देख सकते हैं। तो हमारा पहला है प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसको मैंने ChatGPT से राइट करवाया है, लिखवाया है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाएंगे प्रॉम्प्ट ऑप्शन पे, हमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स,
यहाँ पे हमारा एक और ऑप्शन है, अब ए डिफ़ॉल्ट पे 1 पे क्लिक होता है बट हमें 4 पे क्लिक करना है ताकि हमें एक टाइम पे 4 इमेजेस मिले, सिमिलर इमेजेस 4 मिले, अलग अलग टाइप के 4 इमेजेस मिले बट वो एक दूसरे से मिलता जुलता हो। तो चलिए हम अब इस पर जनरेट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस यही 3-4 ऑप्शंस हैं जो आपको सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जनरेट पे क्लिक करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट होने में। अब देखिए हमारा, हमने 9x16 सेलेक्ट किया है तो हमारा जो पिक्चर का जो साइज़ है वो 9x16 के हिसाब से जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसमें 202 सेकंड लग रहा है। जैसे जैसे आप इमेजेस क्रिएट करते रहोगे उस हिसाब से ये सेकंड्स बढ़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट 4 इमेजेस क्यूड 176 सेकंड्स में ये जनरेट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जिस भी मेरे फ्रेंड्स को ये प्रॉम्प्ट चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करें, देन आई विल प्रोवाइड यू इन द कमेंट बॉक्स। बट फर्स्ट कमेंट, यू नीड दिस प्रॉम्प्ट और नॉट। सी फ्रेंड्स ये हमारी इमेज जनरेट होकर रेडी हो गया, देखिए कितना प्यारा इमेज है। सी ये हमने 9x16 में जनरेट किया है। अब मुझे ऐसे ही सिमिलर इमेजेस अगर 16x9 में चाहिए तो हम यहाँ रेजोल्यूशन 16x9 सेलेक्ट करेंगे और अगेन जनरेट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा 16x9 में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा साइज भी आ गया 16x9 का, अब 16x9 में जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में ये कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी बताता हूँ। सी फ्रेंड्स ये हमारा 16x9 का इमेज जनरेट होकर रेडी हो गया, देखिए कितना ब्यूटीफुल इमेज लग रहा है। सी फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल इमेज जनरेट हुआ है। जी फ्रेंड्स अब इसको हमें डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये एरो है, एरो पे जैसे आप ले जाओगे तो डाउनलोड का ये पॉपअप आ जाएगा, तो इस पे आप क्लिक कर दो एंड सेकेंड इमेज सेलेक्ट करो, सेकेंड जो आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी सारे इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये भी डाउनलोड हो गया, ये सभी डाउनलोड हो गए, हमारे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। देख सकते हैं ये हमारे सारे इमेजेस आ गए हैं। फ्रेंड्स ये सारे इमेजेस हमारे यहाँ आ गए हैं डाउनलोड होके, आप देख सकते हैं AI टूल्स की मदद से आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। चलिए एक और आपको जनरेट करके मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉम्प्ट में कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी एंड इसको हम ले जाके यहाँ प्रॉम्प्ट सेक्शन में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब हम इसको 16x9 में 16x9 में ही हम जनरेट करेंगे तो जनरेट पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा टाइम लगेगा 186 सेकेंड्स और ये जनरेट होकर रेडी हो जाएगा। सी फ्रेंड्स ये हमारा ये भी जनरेट हो गया है, कितना ब्यूटीफुल इमेज है। सी इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल इमेज। सेम इसका वही प्रोसेस है डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलर इमेजेस और चाहिए इसमें से, अगर आपको कोई इमेज पसंद नहीं है तो नेक्स्ट जनरेट करो, 4 इमेजेस और आ जाएंगे, वो भी पसंद नहीं है तो नेक्स्ट करते जाओगे तो ये जनरेट होता रहेगा। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल इमेज आया है। तो पिक लूमेन AI से आप
अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। रियलिस्टिक, 3D, किसी भी टाइप की इमेजेस यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। रियलिस्टिक, कार्टून, आर्ट, आर्टिस्टिक और 3D टाइप की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। जिस भी मेरे फ्रेंड को ये इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में मैं ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपका मिस ना हो जाए। ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।